Hello student, I am Dr. Shweta Bangle, Assistant Professor, Department of Education in Graduate School College for Women, Jamshedpur. लास्ट लेक्चर में हमने विकास की अवस्थाओं में से शैशवावस्था के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने शैशवावस्था की विशेषताएं देखी थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए वो देखेंगे। नेचर ऑफ एजुकेशन इन इन्फेंसी स्टेज फॉर BEd सेमेस्टर 1 पेपर 1 यूनिट 2। शैशवावस्था को सीखने की जो सीमा है और तीव्रता है वो विकास की किसी अन्य अवस्थाओं से बहुत अधिक होती है। मतलब इस अवस्था में बच्चे सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं और ज़्यादा अधिक से अधिक सीख पाते हैं। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इनका शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। पहला, उचित वातावरण, प्रॉपर एनवायरनमेंट। शिशु अपने विकास के लिए शांत, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण चाहता है, इसलिए घर और विद्यालय में उसे इस प्रकार का ही वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए जिससे उनका विकास बहुत अच्छे से हो सके। सेकंड पॉइंट है, उचित व्यवहार। शिशु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, हम जानते हैं। उसके माता पिता और शिक्षक को उसके इस असहाय स्थिति का लाभ नहीं उठाना चाहिए। उसे डांटना या पीटना इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ना तो उसे डराना चाहिए, गुस्सा दिखाना चाहिए। इसके विपरीत उन्हें ये करना चाहिए कि उनके प्रति हमेशा प्रेम दिखाएं, शिष्टता दिखाएं, सहानुभूति का व्यवहार करें। नेक्स्ट होता है पॉइंट है, जिज्ञासा की संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन ऑफ क्यूरियोसिटी। हम देखा कि इस आयु के जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, वो अपने आसपास की वस्तुओं को या आसपास जो भी हो रहा है उसके बारे में ज़्यादा जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। उन्हें जानने के लिए बार बार अपने माता पिता से या टीचर से प्रश्न पूछते हैं, जिससे उनकी जिज्ञासा शांत हो सके। तो माता पिता को क्या करना चाहिए कि उनके प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, जिससे उनकी जिज्ञासा की जो है संतुष्टि हो सके और वो और अधिक जान सके। नेक्स्ट पॉइंट, वास्तविकता का ज्ञान। बच्चे जो होते हैं, हमने इसमें भी देखा विशेषता में, अधिकतर इस स्टेज के बच्चे अपने कल्पना को ही सच समझ लेते हैं, अपने कल्पना जगत में ज़्यादा रहते हैं, उसी को वास्तविक संसारी समझते हैं। इसलिए उन्हें ऐसे विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए जो उन्हें वास्तविकता के निकट लाए। इसलिए मॉन्टेसरी पद्धति में भी जो कहानियाँ हैं, परियों की कहानियाँ, तो उनको स्थान नहीं दिया गया है। वे क्योंकि वो बालक को क्या करते हैं, वास्तविकता से दूर ले जाते हैं और हमेशा कल्पना के इसमें रहते हैं कि ऐसा चीज़ होता होगा परियों में जो होता है कहानियों में। तो उन्होंने सिलेबस से ये वाला जो कहानी है, परियों की कहानी वाला सब्जेक्ट ही हटा दिया है। नेक्स्ट, आत्मनिर्भरता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ डिफेंस। आत्मनिर्भरता से शिशु को स्वयं सीखने, काम करने और विकास करने की प्रेरणा मिलती है। अतः उसको स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए जिससे वे आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल सके। उनको छोटे छोटे काम देने चाहिए जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। उनको कुछ भी काम दिए, छोटा सा काम दे दिए, वो उन्होंने किया तो उनको बहुत प्राउड फील होता है कि हम ये काम कर लिए हैं, तो वो सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं। अगली बार वो काम वो खुद करना चाहते हैं। अपने स्टार्टिंग में उनको छोटे छोटे काम खुद करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, निहित गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटेंट ट्रेड्स। शिष्यों में अनेक प्रकार के निहित गुण होते हैं, अतः उन्हें इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे उनमें इन निहित गुणों का विकास हो। यही कारण है कि आधुनिक युग में शिशु शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान दिया जाता है। जो भी बालकों की या प्राइमरी स्तर के जो बच्चे होते हैं, उनकी शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिससे उनके निहित गुण हैं, जो इंटेंट्स हैं, ट्रेड्स हैं, वो बाहर आ सकें, विकास हो सके उनका। नेक्स्ट है, सामाजिक भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशलिटी। शैशवावस्था के अंतिम भाग में जो लास्ट रखे, जैसे 4 साल 5 साल के जो बच्चे होते हैं, उनमें दूसरे बच्चों के साथ मिलजुल के रहना, खेलना पसंद करते हैं, तो इस बात का ही अवसर उन्हें दिया जाना चाहिए ताकि उनमें सामाजिक भावना का विकास हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है, आत्म प्रदर्शन का अवसर, अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ डेमोन्स्ट्रेशन। शिशुओं में आत्म प्रदर्शन की भावना होती, अतः उसे ऐसे कार्य के अवसर दिए जाए जिससे वे अपनी बात या अपनी भावना को व्यक्त कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, मानसिक क्रियाओं का अवसर, अपॉर्चुनिटी ऑफ मेंटल एक्टिविटी।
शिशुओं को मानसिक, शिशुओं में इस वक्त के जो बच्चे होते हैं उनमें मानसिक क्रियाओं की तीव्रता होती है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से उनका मानसिक विकास होता है, तब उन्हें सोचने समझने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाने चाहिए, जिससे वो कुछ कार्य को करने के लिए ज़्यादा अपना सोच लगाएं, अपनी मानसिक क्रियाओं को तीव्र रखें, उसमें सोचें और करें, तो ऐसे कार्य उनसे करवाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अच्छी आदतों का निर्माण। शिशुओं को अपने माता पिता शिक्षकों से इस प्रकार के वाक्य सुनने को मिलने चाहिए जिससे वो हमेशा याद रख सके, वो ऐसे ऐसे शब्दों का यूज़ करना चाहिए जिससे वो बच्चे हमेशा याद रख सके, जैसे सत्य बोलना चाहिए, बड़ों का आदर, समय पे काम करना, तो इस तरह की अच्छी बातें ही उनके अच्छी आदतों का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन। तो शिशुओं के व्यवहार का आधार उनकी मूल प्रवृत्ति होती है, हमने उनकी विशेषताओं में देखा है, तो उनका दमन न करके उनको संभवतः ऐसी विधियों से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे उनकी मूल प्रवृत्तियाँ बाहर आ सके, जिससे उनका विकास अवरुद्ध न होके और बढ़ सके। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिया द्वारा शिक्षा, लर्निंग बाय एक्टिविटी। बालक कुछ प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता है, ये हमने अभी भी देखा है, जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, अतः उसे उसके अनुसार ही कार्य करने से या शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, मतलब उनको ऐसी एक्टिविटी करानी चाहिए जिससे वो एक्टिविटी में कुछ सीख सके। नेक्स्ट पॉइंट है खेल द्वारा शिक्षा, लर्निंग बाय प्ले। तो शिशुओं को खेल द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, इसका कारण ये है कि शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल खेल में ही सीख लेता है, और खेल में बच्चों का बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो जब उनको कोई चीज़ नई चीज़ें खेल खेल में बता दी जाती है तो ज़्यादा उनके मस्तिष्क में वो चीज़ें बनी रहती हैं, तो इस तरह से उनका शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए खेल द्वारा शिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है चित्र व कहानियाँ द्वारा शिक्षा। तो शिशुओं को शिक्षा में कहानियाँ या सचित्र जो पुस्तकें रहती जिसमें चित्र बने होते हैं कहानियों के साथ, तो उसको ज़्यादा स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष के आयु के बच्चे जो होते हैं वो कहानियों या बुक के साथ चित्रों से ज़्यादा एट्रैक्ट होते हैं, चित्रों से ज़्यादा चीज़ें समझ लेते हैं, तो इस चीज़ को भी पार्ट उसमें होना चाहिए इनके सिलेबस में। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न अंगों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। तो शिशुओं के ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं इस आयु के अपने हाथ पैर नेत्र यही इनके सबसे पहले शिक्षक होते हैं, मतलब कोई भी चीज़ उनको अपना व्यक्त करना रहता है तो ना हाथ बढ़ाते हैं, पैर हिलाते हैं आँखें के द्वारा, तो इस वर्ष की आयु के बच्चे जल्दी सोच सकते हैं और याद कर सकते हैं, तो ऐसी मतलब चीज़ इस तरह से शिक्षा दी जानी चाहिए कि वो अपने अंगों का भी यूज़ कर सके उसमें, मतलब लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए कि वो खुद कर भी सकें और उसको सीख भी सकें, तो इन विशेषताओं को ध्यान रखते हुए ही हमको इनका शिक्षा का स्वरूप बनाना चाहिए। अधिकतर हमने देखा कि जो प्रगतिशील देश है उन्होंने अपने शिशुओं की शिक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी है, लेकिन कदाचित भारत को अपने प्रगतिशील न मानने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत पिछड़ा हुआ है, तो इसलिए शिक्षा आयोग ने एक बात कही है कि 3 और 10 वर्ष के जो बालक है उनके शारीरिक संवेगात्मक और मानसिक विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, अतः हमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अधिक से अधिक संभव विस्तार की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं, मतलब हमें सब ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपने पूर्व माध्यमिक शिक्षा की ओर देना चाहिए जिससे बालकों को बहुत अच्छे से उनका विकास हो सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है कि शिशु अवस्था की विशेषताएं क्या है और उनमें शिक्षा का स्वरूप किस तरह का होना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट सब समझ आए होंगे, कुछ इसमें डाउट हो आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके। ओके, थैंक यू।